जयपुर डिस्कॉम से बड़ी खबर है, 500 से अधिक मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद डिस्कॉम प्रशासन ने डीपीसी की, पिछले लंबे समय से अटकी पड़ी थी विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया, डिस्कॉम एमडी आर एन कुमावत की मंजूरी के बाद पदोन्नति आदेश जारी हुए। 126 सीए 1 को बनाया गया ओएस 2, 166 ओएस 2 को ओएस 1 पर प्रमोशन, जबकि 186 सीनियर असिस्टेंट को ओएस 2 के पद पर पदोन्नति दी गई। सभी मंत्रालय कार्मिकों को पदोन्नति के बाद नई पोस्टिंग दी गई है। हालांकि डिस्कॉम में अभियंता संवर्ग को अभी भी पदोन्नति का इंतजार है। और चलिए संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम है जहां फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद डिस्कॉम प्रशासन ने डीपीसी कराई थी और लंबे वक्त से अटकी हुई थी ये पदोन्नतियां, विस्तार से जानकारी चाहेंगे इसे लेकर। जयपुर डिस्कॉम के अंदर लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार हो रहा था। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, हाई लेवल पर इस मामले में पहुंचाया गया था। इसके बाद में आज पदोन्नति की प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया गया है। आज मंत्रालय संवर्ग के तकरीबन 500 से अधिक जो कर्मचारी है उनको पदोन्नति का तोहफा दिया गया, पदोन्नति के साथ ही उनको पोस्टिंग का तोहफा उनको दे दिया गया है। ये वो कर्मचारी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तबादलों पर बैन था, जैसे पदोन्नति होती है तो उसके बाद में उनकी पोस्टिंग भी होना जरूरी था, और जब तक तबादलों पर बैन नहीं था तब तक पोस्टिंग नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे में ये डीपीसी करके इन सभी कर्मचारियों को नई जगह पोस्टिंग दे दी गई है, और ये कह सकते हैं कि नई सरकार का मंत्रालय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा है, जिस बहुत खुशी का माहौल है। और उनका कहते हैं कि इस तरह का सोचा था कि जल्द से जल्द डीपीसी होगी, जैसे डीपीसी हो जी जी जो अभियंता वर्ग में ऐसा अभाव उनकी डीपीसी हो नहीं पाई, बहुत लंबे समय से तकरीबन 2 से 3 साल पहले से डीपीसी अटकी हुई थी। सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जो हाई लेवल की मंजूरी है उसके चलते ये पूरा मामला जो है अटका हुआ है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलती है उसके बाद में डीपीसी वहां से भी हो पाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से मंत्रालय कर्मचारियों को तोहफा दिया गया उसी तरह पर जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो कि जिम्मा संभालते हैं सप्लाई का, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है 24 घंटे में कंज्यूमर को कनेक्शन जारी किया जाए, 24 घंटे उनकी बिजली आपूर्ति की जाए, तो उन अभियंताओं की पीड़ा भी समझेंगे प्रबंधन और जब भी उनकी डीपीसी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।